आपने नाम सुना है नेशनल टेंशन एजेंसी, सॉरी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, हाँ वही जो एग्जाम कम कराती है और टेंशन ज्यादा देती है। जब नवंबर 2017 में एनटीए को कैबिनेट से मंजूरी मिली तब इसे ऐतिहासिक फैसला बताया गया, शिक्षा सुधार कहा गया, लेकिन 5 साल बाद यही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए राष्ट्रीय तनाव एजेंसी बन गई है। डॉक्टर बनने के लिए नीट एग्जाम हो या फिर पीएचडी के लिए नेट, सब में एनटीए है लेट। इसलिए हम पूछ रहे हैं जनाब ऐसे कैसे। एनटीए के जरिए होने वाले एग्जाम में गड़बड़ी की लिस्ट लंबी होती जा रही है। कभी यूजीसी की नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट पोस्टपोन हो रहा है तो कभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सभी अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन के लिए होने वाले कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट रद्द कर दिए जा रहे हैं। जिस एनटीए का गठन देश की शैक्षणिक प्रणाली में बड़े सुधार के मकसद से किया गया वो खुद सुधार की मांग कर रहा है। इसे समझने के लिए पहले आप इस छात्र की आवाज सुनिए, उसके साथ जो धोखा हुआ उसे समझिए। सीयूईटी का मेरा एग्जाम था, 30 अगस्त को रायबरेली सेंटर का ऑप्शन मुझे दिया गया था, 14 और 18 अगस्त को लखनऊ का ऑप्शन था, क्योंकि मेरा घर रायबरेली से नज़दीक है तो मैंने 30 तारीख के लिए रायबरेली सेंटर चुना था। पर एग्ज़ाम के ही दिन मुझे पता चला कि मेरा सेंटर लखनऊ पड़ गया है। लखनऊ मेरे घर से 100 किलोमीटर दूर है तो मैं परीक्षा देने के लिए कैसे पहुंचता? जिस दिन यश का एग्जाम था उसी दिन उसे एडमिट कार्ड मिला, एग्जाम सेंटर उसके घर से 100 किलोमीटर दूर। अब आप ही बताइए, क्या एनटीए ने छात्रों के लिए बुलेट ट्रेन का इंतजाम कर रखा है जो इस तरह से मनमाने ढंग से सेंटर दिए जा रहे हैं? साल 2017-18 का बजट पेश करते हुए तत्कालीन केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के गठन की घोषणा की थी। फिर पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने एनटीए के गठन की मंजूरी दे दी। मतलब हायर स्टडीज के लिए अहम एंट्रेंस एग्जाम करवाने की जिम्मेदारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को दी गई। जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मतलब जेईई मेंस, मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट, मैनेजमेंट कोर्स के लिए सीमैट, फार्मेसी के लिए जीपैट, यूनिवर्सिटी में टीचिंग और फेलोशिप के लिए यूजीसी नेट, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट मतलब सीयूईटी का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करती है। अब डॉक्टर से लेकर इंजीनियर प्रोफेसर सब एनटीए के एग्जाम के सहारे बनते हैं, लेकिन एनटीए लाखों छात्रों को बेसहारा छोड़ रहा है। आपको एनटीए के करामात से एक एक कर मिलवाते हैं। 17 अगस्त 2022 को यूजीसी ने बताया कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट के चौथे फेज के एग्जाम 13 सेंटर्स पर अनअवॉइडेबल टेक्निकल रीजन से रद्द कर दिया गया, जिसकी वजह से 1,45,885 उम्मीदवारों में से कुल 8,693 कैंडिडेट प्रभावित हुए। अब शायद कुछ लोग कहेंगे कि टेक्निकल गड़बड़ी है, हो जाता है, लेकिन सच तो ये है कि ये पहली बार नहीं हुआ, बल्कि वो गाना है ना, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। हाँ, एनटीए को भी आदत हो गई है ऐसी कहानी बनाने में। इससे पहले भी तकनीकी गड़बड़ियों के कारण परीक्षा को कई बार इसी तरह स्थगित किया गया था। सीयूईटी के दूसरे फेज में भी इसी तरह टेक्निकल गड़बड़ी का नाम लेकर कई सेंटर्स पर एग्जाम कैंसिल किया गया था। और तो और 5 अगस्त को दिल्ली के एक सेंटर पर छात्रों को सोशियोलॉजी की परीक्षा में साइकोलॉजी के सवाल पूछे गए। ये तो टेक्निकल एरर वाली कहानी थी, अब तारीख पर तारीख वाली कहानी भी सुन लीजिए। एनटीए को असिस्टेंट प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए यूजीसी नेट आयोजित कराने का काम भी सौंपा गया है। जो एग्जाम जून में होना था वो बार बार पोस्टपोन होता जा रहा है। 12 अगस्त 2022 से होने वाली परीक्षा के बारे में 8 अगस्त को बताया जाता है कि सेकंड फेज की परीक्षा रद्द कर दी गई है। अब ये एग्जाम 20 से 30 सितंबर के बीच आयोजित की जाएगी। यही नहीं, एक और खेल देखिए, यूजीसी नेट हर साल 2 बार आयोजित किया जाता है, लेकिन कोरोना का हवाला देकर दिसंबर 2021 सेशन स्थगित हो गया। फिर दिसंबर 2021 और जून 2022 सेशन को मर्ज कर दिया गया। थोड़ा और पीछे चलिए, इससे पहले एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा मई 2021 में कराने की बात कही थी, लेकिन वो भी कोरोना की भेंट चढ़ गई। आप खुद सोचिए, जिन छात्रों का आखिरी अटेम्प्ट होगा उनके साथ क्या ये इंसाफ है? एग्जाम में बार बार देरी से क्या छात्र साल दर साल पीछे नहीं हो रहे हैं? और तो और, एग्जाम साल में 2 बार होता था, वो 1 बार हो रहा है।
एक और एग्जाम देखिए, जेईई मेंस। इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन के लिए ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तारीख भी कई बार बदली गई। कहीं टेक्निकल एरर है तो कहीं एग्जाम रद्द किया जा रहा है, कभी सेंटर आखिरी समय में बदल दिया जा रहा है, तो कहीं एग्जाम किसी और सब्जेक्ट का है और पेपर किसी और सब्जेक्ट का मिल रहा है। देश में चाहे कोरोना आए, लाखों लोग मर जाएं, लेकिन फिर भी चुनाव होता है, रैलियां होती हैं, डिजिटल कैंपेन में करोड़ों रुपए फूंक दिए जाते हैं, लेकिन बस कुछ नहीं होता है तो सही समय पर और सही से एग्जाम। सवाल है कि क्या शिक्षा मंत्रालय इन सब से बेखबर है? क्यों एनटीए बार बार एक ही तरह की गलती कर रहा है? क्यों लाखों छात्रों के भविष्य की टेंशन सरकारों को नहीं है? अगर अब भी एनटीए सब चलता है मोड में काम करेगा तो हम पूछेंगे जरूर, जनाब ऐसे कैसे।